क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, टाइम हमारा ऊपर हो गया, लेकिन बहरहाल आज क्योंकि तफहीमे दीन वालों का आखिरी लेक्चर था, इसलिए थोड़ी सी माजरत, अब क्वेश्चंस हम ले लेते हैं इंशाल्लाह। जजाकअल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई, अभी तो वैसे चैट बॉक्स में तो कोई एस सच क्वेश्चन रिसीव नहीं है, लेकिन अगर कोई साहब चाहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहें मुदस्सिर भाई से, तो प्लीज़ काइंडली हैंड रेज करें, तो मैं ये माइक ओपन कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, जहीर अलवी साहब आपसे सवाल करेंगे। जी सवाल कीजिए जहीर साहब। चलें, शायद उनका माइक, चलें दूसरे कोई और क्वेश्चन ले लें। जहीर साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही तो प्लीज़ काइंडली सवाल कीजिए, या अगर कोई और सवाल पूछना चाहे सर तो फिर वो ओके अरसलान में आपको मौका दें। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है आप? जी जी मुदस्सिर भाई, मुझे आपसे सवाल पूछना था कि जैसे आपने कहा कि के हवाले से हम आज ज़ाहिर ख़ुद तो किसी पर फतवा ज़ाहिर नहीं लगा सकते और हमें अपनी ही फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन आजकल हम जैसे अकेडमीज़ में पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे अपने मुसलमान टीचर्स होते हैं अक्सर, तो इन अकेडमीज़ के अंदर जो मतलब कि वेस्टर्न ओरिएंटेड टीचर्स हैं इन अकेडमीज़ के अंदर, इनका सारा जहन जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड है, तो मैंने ख़ुद इस बात का मुशाहिदा किया है कि वो इस तरह की अजीबोगरीब बातें करते हैं कि जैसे अगर आपने देखा कि फ्रांस के अंदर जो है वो माजला गुस्ताखाना खाके वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो अब वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक मॉनिटर करते हैं कि जो स्टूडेंट जो है वो अगर उन गुस्ताखों पर हमला करने वाला कोई मुसलमान जो है गाजी जिससे हम कहते हैं, वो उनकी कोई डीपी लगा रहा है तो वो उसको निशाना बनाते हैं कि, तो इस पर जब वो तो उनसे कहा जाता है कि उनका जो अमल है ये कुरान पाक को माजल्ला नजर आतिश कर रहे हैं वो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि वो लोग तो नादान हैं और उनको वो तो सम उनको तो इसका आइडिया ही नहीं कुछ इन चीज़ों का, लेकिन आप लोग जो है वो उनको मतलब ये कि उन पर हमला करने वालों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, ये एक्सट्रीमिज्म है। तो इस तरह की वो अक्सर व बेशतर दीन के खिलाफ बातें करते हैं टीचर्स वगैरह जो, और प्रोफेसर वगैरह, तो इतने बाशऊर होकर वो लोग इस तरह की जब बातें करते हैं तो क्या ऐसे लोगों को हम किस मतलब तरह देखें? मतलब है कि वो तो खुलेआम में एक तरीके से अपने तमाम स्टूडेंट्स को, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात एक शख्स जो है उसके अंदर मुनाफ़िकत बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने इससे ठीक है, मतलब आप अगर इस तरह की बात देखें तो एक इबरत होनी चाहिए आपके लिए कि एक शख्स जो है वो जैसा आपने कहा कि आलम दीन भी हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, और आपको पता है कि जितना बड़ा कोई बन रहे सब, मैं आपके सामने आपको एक दिन जाता हूँ, सेलिब्रिटी स्टेटस है उनका, वो ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि अगर वो कोई एक बात भी जो है ऐसी है दीन की जिसपे वो खुद अमल नहीं कर रहे तो लोग सवाल पूछेंगे भाई आप तो पूरी दुनिया में दावत देते फिरते हैं, आप इस वाले से क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो अब जारी बात है उसके लिए क्या, अब उसका एक ही रास्ता उसके लिए किया तो झूठे बहाने बनाएगा या फिर ये वाकई वो उस फर्ज की अदाई कर रहा है तो वो कह देगा जी मैं तो उसको फर्ज को अदा करता हूँ, लेकिन अपने उस स्टेटस को जिस मुकाम पे वो है उसको गिराना उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ? तो ये बात सही है कि जो है वो जो है गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, उसके ये कि बहुत अमल नहीं कर रहे, खुद इसके ऊपर वो सही तरीके से आमिल नहीं है, तो इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं अपने उस कंडक्ट को, जब जस्टिफाई करते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी रोकते हैं, खुद भी रुक रहे हैं, सदुआ इसके अंदर तो वो पूरी पूरी उतर रही है जो अब आज पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सिर्फ इस पे इबरत होनी चाहिए हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे जाने से बचा ले, ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुनाफिकत है, हमें इस पे नहीं जाना थी। जैसे हम अभी हम जनरली बात कर रहे हैं लेकिन तायुन शख्स का कि फलां बिन फलां
ये जो है प्रोफेसर साहब ये मुनाफिक हैं, ये हम नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, कब उसको बाज जगहों पे जब उन्होंने ऐसी हरकतें की तो मुसलमानों ने उनको सलाम भी करना छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए सलाम करना ना छोड़, सलाम फिर भी करो, ठीक है। तो अल्लाह ताला का कि ये मामला अल्लाह की तरफ से भी और उस पर कंडक्ट किया, तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हम अपने लिए से देखें, फतवे ना लगाएं, इवन दो कि हमें नजर भी आ रहा हो कि यार एक शख्स था उसकी चेहरे से निफाक टपकता है, उसके कंडक्ट से निफाक टपकता है, लेकिन बहरहाल फिर भी आप उसके बारे में ये ना कहें फलाम मुनाफिक है, ये अपने जहन में रखना चाहिए। जैसा खुला मन सर। जहीद साहब अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी? वालेकुम सलाम। जी 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 आवाज आ रही अस्सलाम वालेकुम मिस्टर भाई, एक एडवाइस सिर्फ आपसे चाहूंगा उन लोगों के लिए कि जो अपने बीवी बच्चों के उस पे हुकूक की वजह से, या आप ये समझे जो मुआश की वजह से इतने बिजी हो जाते हैं उस चीज में, खास तौर पे पाकिस्तान जैसी जगह पे कि जहाँ पे जिन्होंने कमाना है और खाना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे इसमें? यानी कि क्या वो खुदा ना खास्ता किसी निफाक के दर्जे में तो नहीं आएंगे, या उनका क्या वो रहेगा इस सिलसिले में? थोड़ी सी अगर आपकी एडवाइस कर दें ये प्लीज। बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारी जो बहुत सारी जो चीजें हमारे साथ हमने जोड़ी हुई है ना, वो अपनी तयुशात के हवाले से जोड़ी हुई है, वरना जरूरियात जिंदगी अगर हम पूरा करना चाहें तो वो कम में भी हो जाती है। तो डेफिनेटली ये इतना आसान नहीं है, माशी किसी के लिए मुश्किल है कि वो टाइम निकाले इसके लिए, लेकिन ये है कि चलें उसके अंदर एक कुड़न तो हो इस बात की, अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह ताला मुझे फरागत नहीं है, मुझे फरागत मिले, मैं मजीद काम करना चाहता हूँ उस, और उस दौरान भी अगर उसको जितनी भी फरागत है उसको अल्लाह के दीन के लिए खपाए, असल में यहाँ पे उस कंसर्न की बात है, वो कंसर्न है, उसका फोकस है, मुश्किल अपनी जगह पे हैं, उनको कम करने की उसे कोशिश करते रहना चाहिए कि वो दुनिया का जो मामला है वो कम से कम हो, ज्यादा अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकले, तो ये उसको मुसलसल इसका एक एहसास होना चाहिए और उसके लिए काबिश होनी चाहिए। एक तो ये ना कि ठीक है मैं तो मुश्किल में फंस गया हूँ, क्या करूँ, बस ठीक है ये माश ही पूरा कर लें, बड़ी बात है, तो ये जस्टिफिकेशन है फिर, ये वही झूठा बहाना है फिर, ठीक है, ऐसा मामला नहीं है। देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है, अब उनकी जिंदगी देखने के बाद तो कोई गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना आज वो कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मुश्किल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी गुजारी है, किताबो रिकाक पढ़े सही बुखारी की, क्या क्या उसमें मतलब वाकई इंसान वाकई हम कहाँ पे खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, ठीक है, चूल्हा नहीं जलता था, और दो काली चीजों पर वो गुजारा करते थे, दो काली चीजें हदीस में, दो काली चीजें क्या, पानी और खजूर, बस। दूध भी रोजाना का मामला नहीं, दूध भी कहीं हमसायों से कहीं से आता था, तो मतलब इस लेवल पे जब आप जिंदगी गुजार के दिखा दी है उसके बाद हम क्या कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये अपने आप को झूठी तसल्ली देना है, असल में ये याद रखें कि शैतान यही चाहेगा कि आपकी जो भी कंडीशन है उस पर आपको जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन ऑफ द सिन, ये शैतान के बड़े हरबों में से है, वो आपको जस्टिफाई करवा देगा, कोई मसला नहीं जी आप जो आपके देखें हालात कैसे हैं, आप नहीं ये बात मौलवियों की बातों में ना है, ठीक है, आप ठीक है इस तरह आप नमाज अदा करें आपके लिए काफी है, जन्नत पक्की, लेकिन कुरान मजीद का फैसला हमारे सामने है, इसके लिए जब तक हम अपने आप को खपाएंगे नहीं, अल्लाह के दीन की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनमें खासतौर पर जिहाद फी सबीलिल्लाह, खासतौर पर जिहाद फी सबीलिल्लाह, उनके बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जिहाद का जिक्र है वहां निफाक का जिक्र है, तो खास तौर पे इस हवाले से इलाही करमतुल्ला की जो है अगर कोई नहीं करता जो मर्जी वो बहाने बना ले, ठीक है, वो चलने वाले नहीं है, ये बात याद रखें। तो इसलिए हमें अपने उस कंडीशन से कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, वक्त इंसान निकाल लेता है, मसला वक्त निकल आता है, असल में अगर बाकी इंसान सीरियस हो, विल होना तो वे निकल आता, वेर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये गौरव ने सही कहा, ठीक है, विल होगी तो रास्ता निकलेगा, विल ही नहीं है तो फिर अंगूर खटे हैं, ठीक है जी। तो ये जहन में रखें, कुरान की इस बात को समझें और बहुत ही इसकी जो समझ मर्ज निफाक की हलाकत खेजी है उसको सामने रखें, और हमें फिर जारी बात है ये अगर हम सामने रखेंगे तो फिर हमारे अंदर ये जज्बा रहेगा कि हम इससे निकलें, अपनी इस सिचुएशन से और अपने कंफर्ट जोन से निकलें और अल्लाह के लिए कुछ कपाना शुरू करें। इंसान असल कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता, ये बड़ा ही जो आजकल जो कंफर्ट जोन जो है ना बड़ी बड़ा ही कीमती है हर बंदे के लिए, बस ये है बात, होपफुली की बात किसी हद तक मैंने क्लियर कर दी। जजाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। एक सवाल आया है,
आज के दौर में ज़ोफ़ुल ईमान का शिकार कैसे हो सकते हैं, और अगर घर वाले दीन पर ना हों और आपका रिश्ता उनसे हो, बिजनेस उनसे हो, तो फिर क्या किया जाए? दोबारा मुझे बता दे, थोड़ा मैं सुन नहीं सका। जी, आज के दौर में ज़ोफ़ुल ईमान का शिकार कैसे हो सकते हैं, और अगर घर वाले दीन पे ना हों और आप उनके साथ फैमिली बिजनेस में भी साथ हैं, फिर क्या किया जाए? वो अब वही मसला है कि ज़ोफ़े मान मैंने आपको बता दिया है, वो एक थोड़े टाइम स्पेन के लिए है। ज़ोफ़े मान ऐसा नहीं है कि मतलब आप उस कैफियत में लगे हुए हैं, हफ्तों गुजर गए, महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, पर ये ज़ोफ़े मान क्या करें, ये ज़ोफ़े मान नहीं है, ये ढिटाई है। ये तो ये है कि अब आप उस स्टेज में जा चुके हैं, अल्लाह ना करे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आपके ऊपर नहीं कह रहा या किसी के ऊपर नहीं कह रहा, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एक बंदा जो है उसी कैफे में लगा हुआ है और अल्लाह के दीन के लिए खपा ही नहीं रहा, कुछ लगा ही नहीं रहा, इस मिशन के ऊपर उसके कोई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसका मतलब है कि अब ये ज़ोफ़े मान नहीं। ज़ोफ़े मान तो देखें वो है एहसास, फलाह बिन उमैया इतना बदरी सहाबी हैं, बुजुर्ग सहाबी हैं, इमेजिन करें जरा, बदरी सहाबी हैं, बुजुर्ग सहाबी हैं, उनकी हालत क्या थी कि आंसू थमते ना थे, आंसू थमते ना थे, एहसास इस दर्जे का किया, हम पूरा नहीं इस दर्जे की कि हम नहीं कर पा रहे। तो ये एहसास की बात हम कर रहे हैं, इस लेवल का अगर एहसास है और वो जरिए पता इस लेवल का एहसास होगा तो फौरन इसलाह हो जाएगा, ठीक है। एक 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 ही दफा नहीं जा सके ना, ऐसा तो नहीं हुआ उसके बाद कई मार्के मिस हो गए इनसे, ये एक मार्के में नहीं गए और रहे, बाइकआउट कैसा किया 50 दिन तक बाइकआउट, इस्लामिक सोसाइटी में कितना बड़ा जुर्म है ये, इससे हम इमेजिन करें। तो बहरहाल यह है कि हमें बाकी बिजनेस कौन कह रहा है ना करें, बिजनेस कौन कह रहा है दुनिया के धंधे ना करें, लेकिन उसको लिमिट करने की कोशिश करें, इस फोकस इस पे करें, वो साथ चलता रहेगा। बाद का क्या होता है कि आप काम के दौरान भी इस काम को करते कर रहे होते हैं, हाथ वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, वो दिल यार वाल, वो क्या हाथ कार वाल, दिल यार वाल। तो इंसान जो है फोकस, असल बात फोकस इसको कर लेगा, विल उसके अंदर होगी तो इंशाल्लाह वो वक्त निकालेगा इसके लिए, अपने आप को खपाएगा, साथ अपने जरिए पर दुनियावी जो चीजें हमें कम करनी, ये नहीं कहा जाएगा बढ़ाई जाए, तो ये जरूरत पूरी होगी। मैंने बताया ना आपको क्या बताया वो जो उस आयत के अंदर, बोला कि नकुम फतन तुम अनफुसकुम, कई लोग तो अपने ऊपर खुद ही आजमाई खुद ही डाल लेते हैं, सब कुछ ठीक है भाई, कई कितने लोग मैं जानता हूँ सब कुछ ठीक है, बिजनेस भी सब कुछ है, घर बार भी सही चल रहा है, पंगा ले लिया, कोई सेकंड बिजनेस शुरू करने लगे, सब कुछ पूरा हो रहा है, तो भाई ये पूरा जरूरत है जिंदगी पूरी करनी है ना, बाकी तो यहीं पे रह जाना है, माल हमारा यहाँ पे वहां तो नहीं जाएगा साथ हमारे, वो तो खा लिया या पहन लिया या बरत लिया, वही माल हमारा है, बाकी तो हमारा हमारा है ही नहीं, वो क्यों हम जमा कर रहे हैं। तो वही बात है कि हमें इसका एहसास होना चाहिए कि हम अपनी खाम खाम जो है उसको बढ़ा रहे हैं उस चीज को, और अपनी आखिरत जो है वो दाव पे लगा रहे हैं, तो असल में ये चीज इसको जहन में रखनी चाहिए। कई लोग अब अक्सर जो है बड़े चंगे थे, ठीक है जी आपने नेशनलिटी आजकल बड़ा पाकिस्तान में है रुझान के लिए, आप किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले, कुछ जरूरत के लिए चला गया ठीक है, वक्ती तौर पर तो अल्लाह बात है, लेकिन आप वहां पे चले गए किस लिए जाना है आपने जी, वो लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगी, लाइफ स्टाइल बेहतर चक्कर में आपने आपको खुद ही इतने बड़ी आजमाइश में डाल लिया, अब वहां पे सारी सोसाइटी कुफरिया है, आपके बच्चे सारे वनरेबल हैं, अपने आप को इतना बड़ा आपने एक्सपोज कर लिया उस चक्कर में, अपने आप को आजमाइश में डाल लिया, आप कंप्लेन तो ना करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये असल बात है कि हम अपने आप को ज्यादातर खुद ही आजमाइश में डाल लेते हैं, तो कोशिश करें, असल बात यह है, यहाँ एहसास अगर हो गया ये बड़ी बात है, लेकिन पहला स्टेप हमेशा इसलाह का एहसास होता है, अगर आपको इन लेक्चर्स के बाद खासतौर पर आज का एहसास हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी कीमती चीज है, अल्लाह के सामने गिरे हैं झुके हैं, जो पहले बताई हुई उससे माफी मांगे, अल्लाह रास्ता दिखाएगा, इन कुछ कोशिश भी करें, कुछ आप भी अपनी तरफ से स्टेप्स लें, कुछ अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। वो हदीस अपने जिम्मे रहनी चाहिए, हर बंदे के जिम्मे रहनी चाहिए, जब इंसान दुनिया को अपना मकतूब बना लेता है, मकसूद बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसके कामों को बखेर देते हैं और उनको उसको उनके पीछे लगा देते हैं उन कामों के, और दुनिया फिर भी मिलती उतनी है जितनी उसके मुकदर होती है, और जो आखिर को अपना फोकस कर लेता है, अपना मकसूद बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसके कामों को समेट देते हैं और दुनिया जो है जीरो खौर होकर उसके कदमों में आती है। तो ये कुछ चीजें स्पिरिचुअल हैं, एक्सप्लेन नहीं की जा सकते हैं,
आगाज करें, सफर पे आगे बढ़ें। जज़ाकअल्लाह खैर मदरसे भाई। बस अभी आखिरी सवाल है, वो पूछा गया कि मैं जिस वेस्टर्न कंट्री में रहता हूँ वहाँ पे जिहाद तो होना नामुमकिन सा नज़र आता है, लेकिन निफाक तो किया जा सकता है, तो बताइए कि क्या मैं इन्फाक से बच सकता हूँ, यानी इन्फाक को पे करके या जैसा भी है निफाक से बच सकता हूँ? देखें, बात यह है कि अव्वल तो अगर आप इस पोजीशन में हैं तो अगर आप बिल्कुल वहां पे काम नहीं कर सकते तो फिर आपको सोचना चाहिए हिजरत का। हिजरत इसलिए है ना कि हिजरत किस लिए? अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने के लिए हिजरत है। याद रखें, अगर किसी जगह पर अल्लाह के फ़राइज को अदा नहीं किया जा सकता तो फिर आपको वहां से किसी ऐसी जगह जाने की सोचना चाहिए कि जहाँ पे आप इन फ़राइज को अदा कर सकें, या फिर जिस जगह पे आप हैं फिर जो हो सो हो वहां पे अदा करें इस फर्ज को। ठीक है, मुश्किल तो हर जगह पे, याद रखें, आज दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये आसान हो। बाजों पे कदरे आसान है, बाजों पे मुश्किल है। तो अगर आप नहीं कर सकते वहां पे तो वहां चले जाएं जहाँ पे कदरे आसान है। यही बात तो हजरत के वाले से मैंने हमने एक्सप्लेन की थी ना कि अल्लाह पूछेंगे भाई तुम क्यों नहीं गए, किस हालत में थे? वो कहेंगे मुस्तज़फीन थे। तो अल्लाह ने तुम्हारे अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी, अल्लाह की जमीन वसी है तो किसी जगह चले जाए। अगर किसी जगह नहीं जाते आप तो फिर उसी जगह पे करें, फिर जो हो सो हो। ठीक है, अब लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं वहां पे हूँ किसी जगह पर तो मैं क्या करूँगी? अभी आपकी मसला है ना, आप वहां पर थे, आपके पास ऑप्शन थी, आप उससे बेहतर जगह पे हो सकते थे। सब पाकिस्तान से लोग चले जाते हैं, यूके चले गए, यूएस चले गए या कहीं और, अब वहां पे तो करना मुश्किल है, जरिए बात है, या गल्फ जो स्टेट्स हैं वहां पे ये करना जो है मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल ये है कि फिर आप वहां पे क्यों गए भाई? ठीक है, और अगर आप गए हैं तो फिर वहां से निकले वहां से और उसी जगह जाए जहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप हैं फिर वहां से आप जो भी कर सकते हैं करें। असल बात यह है कि ये हमारे मसाइल हैं, अल्लाह तआला का ये मसला नहीं है। याद रखें, अल्लाह ने हमें जज करना है कि हम वाकई अहले ईमान में से हैं या नहीं। अगर हम इसी कैफियत में रहेंगे तो फिर गरीबत आखिरत में फिर नाकामी हमारे सामने खड़ी है। तो हमें इससे निकलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, और हाँ ये बात हमने कहा इन्फाक के माल इंसान कर दे, ठीक है इन्फाक करना चाहिए, इन्फाक के माल तो कसरत से करना चाहिए, फिर ज्यादा बढ़े करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जहाँ इंसान का जान खपती है ना वहीं माल निकलता है। ये कहने वाली बात जबान से तो अच्छी है कि मैं ठीक है जान तो नहीं खपा रहा लेकिन माल मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, कई लोग थोड़े जब निफाक का लेक्चर सुनते हैं तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं। ठीक है कि मैं आपको 50% अपनी वेल्थ बस में दे रहा हूँ, लेकिन ये वो फिर बात एक लम्हे के लिए होती है। जो माल वही खपाते हैं जो जान भी खपा रहे होते हैं, ये याद रखें। बल्कि आज तो पता है आपको जमाना उल्टा आ गया, तो कहते हैं जान ले लो माल नहीं दे सकते। ठीक है, जान तो बेशक ले लो। तो बात यह है हमें जहन में रहनी चाहिए कि दोनों चीजें साथ साथ ही चलती हैं, अल्लाह को भी दोनों चीजें काबिल कबूल है। मुनाफिकीन के वाले से ये बात भी अल्लाह ने बयान की है जब उन्होंने कहा ना कि हम आपको माल दे देते हैं, अल्लाह फरमाया कि हम उनका माल कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि जान नहीं खपाई उन्होंने तो माल भी नहीं उनका कबूल करेंगे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। इसलिए हमें इसको देखना चाहिए। हाँ, जिस हालत में हमें स्टार्ट करना चाहिए कसरत से माल भी खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की सरबरंदी के लिए, और फिर अपनी प्लानिंग कर लें, जिंदगी की प्लान करना शुरू करें, जल्दी से जल्दी उस पोजीशन में आने की कोशिश करें। वक्त कम है, हमने आखिरत में जन्नत कमानी है, तो इसलिए इसको एहसास करते हुए अपनी जल्दी जो है ना लाइफ को रीप्लान करें ताकि आप उस मुकाम पर पहुंच सकें जहाँ आपका ज्यादा वक्त दीन के लिए लग रहा हो, कम वक्त दुनिया के लिए लग रहा हो। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर ये कोशिश हम करते रहेंगे, इस पे एहसास भी होगा, कुड़न भी होगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते भी निकालेंगे। और इस दौरान अगर फोत हो गए तो चलो कुछ तो हम मुकदमा पेश कर सकेंगे ना। अभी हमारी हालत तो जो है वो तो खैर कोई ऐसी नहीं है कि हम जन्नत हमें मिले, खासतौर पर जब सौबा से अल्लाह कह रहे हैं कि हम हसब तो मत जन्नत, तुमने हिसाब कैसे लगा लिया तुम्हें जन्नत ऐसी मिल जाएगी? तबूक का मौका है, गज़वा तबूक से पहले कितने मार्के हो चुके हैं, सौबा का हम सब कुछ कपा चुके थे, बदरी सौबा बीच में मौजूद है, लेकिन जहां पर भी अल्लाह ने कह दिया तुमने क्या, किसने कह दिया, कहां से तुमने हिसाब लगा लिया तुम्हें जन्नत ऐसी? तो जब उनसे अल्लाह इस तरह कह रहे हैं तो हमारी तो क्या हैसियत है? तो किसी जगह पर एहसास होना चाहिए, इस्लाह की तरफ कदम बढ़ने चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। एक आखिरी सवाल अरसलान की तरफ से आ रहा है, तो प्लीज़ काइंडली इसको रिस्पॉन्ड कर दें। अरसलान प्लीज़ अपने सवाल को मुख्तसर रखिएगा ताकि फिर हम सेशन को क्लोज करें। जी मुदस्सिर भाई, मुझे आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी जी
दरअसल भाई ये पूछना था मुझे आपसे कि जैसे एक बदरी साहबी के बारे में पता चलता है कि हजरत हातिम इब्ने बदा गालिबन नाम था उनका, कि उन्होंने फतह मक्का की जो मामला था डिस्क्लोज कर दिया था। जी, तो उन्होंने जो है जब ये डिस्क्लोज किया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया आप अलैहिस्सलाम से कि मैं इनकी गर्दन उड़ा देता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये जो है वो बदरी साहबी हैं, इनके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं। तो उनका सोशल बायकॉट जो है वो नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला का सोशल बायकॉट हुआ 50 दिन का। तो इसमें डिफरेंस क्यों ये रहा? देखिए वो मामला थोड़ा सा डिफरेंट था, जारी बात है। वो उन्होंने उनसे गद्दारी का एक्ट हो गया था, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से गुरेज का मामला था, इसलिए यहाँ पे जो है बाइकॉट भी किया गया ताकि मेक श्योर किया जाए सोसाइटी जो है इस्लामिक सोसाइटी उसको पता हो कि कितना बड़ा जुर्म है, उसको एहसास हो इस बात पर, ठीक है। तो ये इसलिए ये किया गया। वो तो उनसे एक मतलब ओकेजनली एक ऐसी बात होगी थी जिसको वो खुद भी गलत समझ रहे थे, और बस उनको उनके अपने बीवी बच्चे थे उनको बचाने के लिए उन्होंने ऐसा एक्ट किया था। तो इसलिए वो एक तो एक्ट भी फौरन फिर आपके सोसाइटी ने फिर वादे कर दिया कि ठीक है, इन्होंने माफी मांग ली है, अल्लाह ताला की तरफ से भी फिर बात आ गई कि ठीक है आइंदा ऐसा ना करना, तो फौरन उसका मामला हो गया। लेकिन ये क्योंकि मामला एक पॉलिसी मैटर है, देखिए जहाज फीस बिल्ला का तकाजा तो क्या मत रहेगा ना। और ये जो मैंने आपको बताया कस्बा एहसास के वाले से कि ये तो एसेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ है, ये तो जो है जो कायनात को अल्लाह ने क्यों बनाया, ये जिंदगी को क्यों शुरू किया, ये सब इसके पीछे एसेंस ही यही है जिसका वो इलाम इकबाल ने कहा था कि ये क्या अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं, ठीक है। मकाम बंदगी दीगर, मकाम आश की दीगर, जनूरी सजदा मी खाहिज खाकी बेशक वजूद खुद सुकून दोस्ता खाली अल्लाह ताला। तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर है, इसलिए इसको इंश्योर करना था सोसाइटी के ऊपर ताकि हमें क्या ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये बात अगर है तो एक्सेप्टेबल हो, जो यू आर एक्सेप्टेबल, अदरवाइज यू आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, इन द इस्लामिक सोसाइटी। तो ये नजर आती है बात, बाकी वल्लाहु आलम, यानी हिकमत ये नजर, खुदाई हिकमत ये नजर आती है। जैसे गलत है मुदस्सिर भाई, ठीक है तो जी, आज का तो कंक्लूड करें, सेशन मेरे ख्याल को में यहाँ टाइम तक खत्म करते हैं। काफी हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह जी क्वेश्चंस आपके हम देख लेंगे। अब एक दो ऐलानात हैं, एक तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राइस कह रहा हूँ प्राइस तो खैर अल्लाह ही आप देंगे, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह सेरेमनी हम रखेंगे, ये अब मेरे ख्याल में 7 तारीख बनती है, हफ्ता ये मुदस्सिर भाई अभी एक सेकंड रुक जाओ, अभी वो उनसे शेयर करना है ये एमसीक्यूज वाला, हाँ ठीक है, दो तो डिस्कस हफ्ते करके का फिर टाइम ग्रुप है ना, में अभी शेयर करना। अभी हमारा 23 है, तो 2 हफ्ते इसमें रख के फिर हम 7 तारीख बता रहे हैं, तो उस दो हफ्तों के दौरान जो है एमसीक्यूज भी हैं, जो बंदा असाइनमेंट्स पूरी करना चाहता कर ले, तो इनशाला फिर 7 तारीख है, ये टेंटेटिव डेट है। अगर आप लोगों के जो लोग दरी बात है रेगुलर हैं, अगर वो समझते हैं कि ये टाइम यही होगा, तो अगर तो ये हमें सैटरडे को रखना है तो ठीक है, वरना फिर हम इसे किसी और दिन रख लेंगे, लेकिन टेंटेटिवली ये डेट अपने जब रखें, 2 हफ्ते का हम टाइम हम देंगे, उसमें आप अपने क्विजेज अपनी असाइनमेंट जमा कराएं। तो ये तकीम दीन वालों की बात हो रही है, जो शुबान वाले इंशाल्लाह आप सर्टिफिकेट इंशाल्लाह फिजिकल भी अवेलेबल होंगे, आप अपलोड कर सकते हैं हमारे जो ऑफिस हैं इस्लामाबाद, वो आपको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह जो है मिल जाएंगे। तो ये अपने जिम्मे रखें इंशाल्लाह, और अपनी जमा कराने की कोशिश करें पूरी तरीके से। बाकी जजाकल्ला खैर, आप जितना भी हमने पहले भी बहुत ज्यादा आपको इस हवाले से कहा है कि आपकी कंट्रीब्यूशन और आपने जो है बड़े आगाज में जो आपको मकासद बताए थे जो, तो इंशाल्लाह आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा, फीडबैक फॉर्म भी आपसे शेयर किया जाएगा, और फिर जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसमें भी हम इंशाल्लाह आपसे आप अपनी जो भी अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो बड़ा सफर जो है ये आगाज है, ये इख्तिताम नहीं, ठीक है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द, इट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इट इज द एंड ऑफ द बिगिनिंग, ठीक है। तो ठीक है, मुदस्सिर भाई थोड़ा सा इनको ये भी आगाह कर दीजिए कि इसे इसके बाद फ्यूचर कोर्सेज हमारे हैं, तो जो हजरात हमारे जी साथ इंशाल्लाह माशाल्लाह वो जुड़े उसकी रहे। डिटेल्स हम जो सर आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से कोर्स किया, अब आप लोगों के लिए
आपको इनेबल करने के लिए हमारा तो मकसद ये है कि आप लोग जैसे हम यहाँ पे आपको बयान कर रहे हैं, आप भी जो है इसके दाई बने, तो आपके लीडरशिप कोर्स हम ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, कुरान कोर्स भी शुरू होने वाला है हमारा, सीरत कोर्स भी है, तो काफी कोर्सेज हैं, उसका डिटेल्स इंशाल्लाह आपको बताएंगे। खासतौर पर जो लीडरशिप कोर्स है उसमें तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग इन्वॉल्व हों, तो वो भी उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दी जाएंगे।